सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज तक हम लोगों ने सुना था कि पूत कपूत होते हैं। इस कहावत को कई बार दोहराया भी है, लेकिन इस बेटे ने तो वो कर दिखाया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। इस कलयुगी बेटे ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जिसने इसके बारे में सुना सभी ने अपने दांतों तले उंगली चबा ली। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस कपूत बेटे की वारदात की पूरी रिपोर्ट हमारे इस हाथों। कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग माँ बाप को उतारा मौत के घर, 4 साल के मासूम को भी उतारा मौत के घर। जमीनी विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। जमीन के बंटवारे से नहीं खुश था बेटा, पूत कुपूत की कहावत हुई सही। कहते हैं कि दुनिया में खून से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता, लेकिन जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाए तो आखिर इंसान कहाँ जाएगा। माँ बाप ने कभी सोचा तक नहीं होगा कि जिस बच्चे को प्यार दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसको अपने जिगर का टुकड़ा माना है, वही उनकी सांसें छीन लेगा। ऐसे मांगता था सर घर से, जबरदस्ती गाड़ी दिलवाओ, गाड़ी आई 10 लाख रुपए मुझे सर, मुझे ये तो रोज इसकी नहीं नहीं रहती है सर। माँ बाप से मारपीट करना आए दिन सर, बदतमीजी करना सर, ये बात शायद पूरे मोहल्ले को मालूम है सर। आए दिन कितने भाई हैं? 3 भाई 2 बहन, 1 भैया मेरा चला गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के विकास नगर में, जहाँ पर एक शख्स ने अपने बुजुर्ग माँ बाप और 4 साल की भतीजी की हत्या कर दी। लेकिन हत्यारा बेटा इतने पर ही नहीं रुका, कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे इलाके में इस वारदात से सनसनी फैल गई। जैसे ही लोगों को पता चला तो वैसे वैसे भीड़ लगती चली गई। तो ये सोच रहा था शायद मम्मी पापा कहीं गए होंगे बाहर, तो बहुत देर के बाद नहीं आया। तो इसके बाद मेरी छोटी वाली लाली इसी के पास खेल रही थी सुबह से, इधर बैठ जा कर बच्चों का तो इधर रहा, कहीं ना कहीं तो कौन रुकेगा कौन। तो फिर मैं तो अपने जिम चला गया सर, शाम को मैं सो गए थे, बच्चे बच्चों को पढ़ाया था, मुझे ये भी नहीं मालूम था क्या घटना हो चुकी है सर। तो इसके बाद शाम को सर लगभग 6 बजे का इसका फोन आया पड़ोसियों का सर, किसी का कि जैसी बात है वो लाली मर गई, सांस चल रही है सर। मैं तुरंत आया अपनी लालियों को आके मेडिकल ले गया। इस वारदात को देखते हुए हर शख्स की जुबान पर यही था कि इस वारदात के बाद अपनों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी वारदात होने से पहले दस्तक जरूर देती है, लेकिन अक्सर हम लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस मामले में भी। हत्यारे बेटे ने सालों से अपने अंदर गुस्से का गुब्बार भर रखा था, जिसे आखिरकार उसने अपने सगे रिश्तों का कत्ल करके ठंडा किया। आपको बबता दें कि 3 साल से घर को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों सगे भाइयों में विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर उसने अपने माता पिता और बड़े भाई की बेटी की हथौड़े से कूच कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ये शख्स अपने माता पिता का छोटा बेटा है, और कुछ दिन पहले ही माता पिता ने जमीन का बंटवारा किया था, जिससे वो खुश नहीं था। आए दिन बंटवारे को लेकर मारपीट लड़ाई झगड़ा करता रहता था, लेकिन इस बार तो इसने हद कर दी। और कुछ ही घंटे पहले हुए झगड़े के बाद इसने अपनों का कत्ल कर इस वारदात को अंजाम दिया। उन बूढ़े माँ बाप को ये नहीं पता था कि जिस बेटे को उन्होंने खून पसीना एक करके पाला पोसा है, वही उनकी मौत का कारण बन जाएगा, या फिर यूं कहें कि वही उनको मौत की नींद सुला देगा। लेकिन इन सब में उस मासूम की क्या गलती थी जिसे इस कलयुगी ने मौत के घाट उतार दिया। इस लड़के का नाम सौरव है, ये विकास नगर क्षेत्र में रहता है जो कि गांधी पार्क थाने में पड़ता है। इसके द्वारा स्वयं आज देर शाम थाने पर आकर के बताया गया कि इसने अपने माता पिता की हत्या कर दी और भतीजी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। यह जो भतीजी है, यह भी जब अस्पताल इसको ले जाया गया तो इसको मृत घोषित किया गया है। उपरोक्त संबंध में अधिक पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसके पिताजी द्वारा अपने रिटायरमेंट का पैसा और अन्य जो भी उनके पास रकम आदि थी, उसको इनके भाई पर ही खर्च कर दिया गया। इसके भाई जो कि जिम चलाता है, उसके व्यवसाय पर खर्च किया गया, और इसके द्वारा जब भी कुछ मांगा गया तो इसको मना किया गया। इस बात को लेके इसके गृह में कलेश था
और यह अक्सर इसका झगड़ा अपने माता पिता से होता था। आज इसने इस घटना को घर में ही मौजूद हथौड़े और पत्थर से अंजाम दिया है। उपरोक्त को जो आला कत्ल है उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके पर मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मंगाया करके वहां पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया, साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इस अभियुक्त को सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम। आरोपी के खुद को पुलिस के हवाले करने के बाद एसएसपी कलानिधि ने थानी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस कलयुग की बेटे ने रिश्तों को ऐसे तार तार किया कि जिसे देखकर हर शख्स के दिल में अपनों को लेकर एक डर सा बन गया है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको अपराध जगत से जुड़ी हुई प्रदेश की ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।